दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां तो आप सभी ने सुने ही होंगे। तो दोस्तों, ये बीरबल का महल है, इसके अंदर चल के उनका कमरा दिखाऊंगा आप सभी को, जो कि 400 साल पुराना महल है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जानकारियां मिलेंगी, और वीडियो को लास्ट तक आप सब जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आया हूँ फतेहपुर सीकरी। वो फतेहपुर सीकरी जहाँ अकबर अकबर का वो बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया था उन्होंने, और यहाँ पे ये महल देख सकते हो, ये बीरबल का महल है। बीरबल इसी में रहा करते थे गाइस। आप सबको बता दें कि इस महल का जो है, पहले जो अकबर की रानियाँ थी वो रहा करती थी, बाद में इसको बीरबल को दे दिया गया। और इसके अंदर आप सभी को दिखाऊंगा गाइज, और अभी भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इधर देख सकते हो, ये हमारे पीछे रहा जोधा बाई का महल, ये जो बैक साइड पे है उधर भी दिखाऊंगा आप सबको। तो वीडियो डाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप सब देख लीजिएगा। तो गाइज, इसमें 4 बेडरूम है और ऊपर भी है, तो चल के दिखाता हूँ अंदर। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप सभी तक पहुँचती रहे। आइए, अंदर चल के दिखाता हूँ आप सभी को पूरा ब्लॉग, जितने इसमें जितने वो हैं और जो घोड़े बांधे जाते थे वहाँ पे दिखाऊंगा आप सभी को। उधर है, और इसका जो 4 रूम है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। इसकी दीवार की क्या, कितनी खूबसूरत से बनाया गया है, इस सारी चीज़ें आप सभी को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चलते हैं गाइस, दिखाते हैं उनका बेडरूम, और बहुत ही खूबसूरत सा जो यहाँ का वो है उसको, उस सारी चीज़ों को आप सभी को दिखाता हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा। नहीं, हो गया, ले लिए, देख सकते हो। एक उनका जो एक कमरा है, एक कमरा ये है, यहाँ का डिजाइन देखिए कितने खूबसूरत से यहाँ की पत्थरों की डिजाइन की गई है, देख सकते हो आप सब। ये फूलों की जैसे डिजाइनिंग है, ये भी है, तो काफी खूबसूरत सा है। ये पहला कमरा है, और एक कमरा इधर है गाइस, एक कमरा ये है, देख सकते हो। और इसके ऊपर देख सकते हो, पहले जो अभी कुछ साल पहले, 10-20-50 साल पहले की बात करूं, तो जो लकड़ी की, आज भी बहुत कम ही लोग बनवाते हैं, लेकिन आज जो डिजाइनें हुई करती थी लकड़ी में, देखिए छतों पे है, इसके ऊपर पत्थरों में इसकी डिजाइनिंग की गई है, कितनी बेहतरीन सी डिजाइनिंग है। और यहाँ पे फूलों का भी डिजाइन कुछ कुछ है, यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत सा है। अभी चल के और दिखाता हूँ आप सभी को, ये दूसरा कमरा है गाइज। और तीसरा कमरा जो उनका था, ये था, ये तीसरा कमरा है, काफी बेहतरीन सा है, और उस जमाने में देख सकते हो आज भी कितना ही सुंदर सा लगता है। और इसके ऊपर भी कमरा था, क्योंकि अभी तो अलाउ नहीं है जाना, क्योंकि बहुत पुरानी, 400 साल पुराना ये बिल्डिंग है, इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो देख सकते हो, ये चौथा कमरा है गाइज, बीरबल इसी में रहा करते थे, इसी कमरे में। और ये जो कमरे के बाहर का हिस्सा है, ये देख सकते हो, ये इसकी भी डिजाइनिंग देख सकते हो, कितनी बेहतरीन है, कितनी खूबसूरत है। और इसके ऊपर भी देख सकते हो, कितना ही बेहतरीन सब बना हुआ है चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हो, ये गेट का बहुत ही, उस जमाने में देख सकते हो कि ना कोई मशीन थी ना कोई वो था, हाथों से इसको कारीगरी की गई थी, कितने साफ सुथरे कारीगरी हुई है, देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सा है, यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन पूरा। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत सा ये है महल, जो बीरबल रहा करते थे इसमें उस समय, और आज भी है, क्योंकि वो जब रहा करते थे इस महल में, उन्होंने कुछ समय बाद उसको, इस महल को छोड़ दिया था। और अभी जो बादशाह घोड़े रखते थे कुछ, और घोड़े जहाँ बांधा करते थे, ये देखिए वो घोड़े, यहाँ ये घोड़े रहा करते थे। और आप सभी को दिखाऊंगा घोड़े बांधने का, बहुत सारे घोड़े थे उनके पास, और घोड़े तो बहुत थे, क्योंकि बहुत सारे घोड़े जितने हुआ करते थे उनको बांधने के लिए, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसी में गाइस, इसी में घोड़े को इसी में बांधते थे वो, इसी में सिकड़े से, रस्सी से, जो भी बांधते थे इसी में घोड़े उनका बांधते थे। और ये उनको खाने के लिए यहाँ पे कुछ अपना चारा वारा रखा जाता था उनके लिए। और देखिए ये छत जो है, उसी जमाने के, आज भी ये पानी में, बारिश में चूता भी नहीं गाय, ये टपकता भी नहीं है, देख सकते हो। और आज का 400 साल पुराना है, आजकल ना इसमें सीमेंट यूज हुआ है ना कुछ गाय, लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, और काफी सुंदर सा है। यहाँ से इसमें भी घोड़े बनते थे और इसमें भी घोड़े बनते थे, अब देख सकते हो कितना बेहतरीन सा है।
और हमारे पीछे देख सकते हो बीरबल का वो महल गाइज, बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी। और ये देख सकते हो घोड़े जहाँ बांधा करते थे, बहुत ही बेहतरीन सा है यहाँ का जो नज़ारा है, बहुत ही। अब सोच सकते हो कि गाइज ये 12 साल में पूरी फतेहपुर और सीकरी दोनों बन के कम्प्लीट हुआ था 12 सालों के अंदर में गाइज। आज भी अगर बनाने का मौका मिले, बड़ी बड़ी कंपनी मशीन रहती हैं, 12 साल में तो भी नहीं बना पाएंगी गाइज। उस ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थर लाना बहुत ही मेहनत का काम था, बहुत ही पत्थर इतने मोटे मोटे कैसे चढ़ाए गए इसके सोचना पड़ता है गाइज। क्योंकि आजकल जो है मशीनें डिजाइनिंग करती हैं, डिजाइनर से हाथों की कारीगरी से कितने खूबसूरत से किला बना दिया करते थे उस समय में। और कबूतरों से यहाँ पे पत्र आते थे, आप सब जानते ही होंगे, पर उस ज़माने में कबूतर लाते थे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना, एक लाइक ज़रूर करना का, क्योंकि लाइक करने से गाइस आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ। अगर एक लाइक कर दोगे आप तो हमारे लिए हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा गाइस। और चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलेंगे आप सभी के और एक धमाकेदार ब्लॉग में। और जो आप सभी ने अभी तक नहीं देखे होंगे, आगरा के अंदर ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप बहुत कम लोग ही जानते हैं गाइज। चलते हैं, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए।